दोस्तों, अगर आप भी कक्षा 11 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री का वायरल प्रश्न पत्र। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। रियल प्रश्न पत्र मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। ये वायरल प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसमें से कम आपका 20 से 30 प्रश्न लड़ने वाला है डायरेक्ट एग्जाम में। चलिए देखते हैं इसको, रियल प्रश्न पत्र। इस प्रश्न पत्र को आप, रियल प्रश्न पत्र को सबसे पहले डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। वहां पर सबसे पहले ही प्रोवाइड करवा दिया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया, मेंडलीफ आवर्त नियम पर आधारित है, तो किसके आवर्त नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक पर। दो नंबर दिया, तत्व को व्यवस्थित रूप में वर्गीकृत करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो किसने किया था, तो दो नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथर मेयर ने। ट्रिक नियम लागू होता है, तो ट्रिक नियम किस पर लागू होता है? तो तीन नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सी एल बी आर और आई पर, ठीक है, बी आर और आई पर, ठीक है, ये हो जाएगा। चार नंबर क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामूहिक न्यूलैंड्स के अष्टक नियम का पालन करता है? तो किसके नियम पर? तो चार नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांच नंबर क्वेश्चन दिए, तत्वों के परमाणु आयतन एवं परमाणु भारों के बीच संबंध दिखाने के लिए किसने रेखा चित्र खींचा? तो पांच नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोथर मेयर ने। छह नंबर क्वेश्चन दिया, मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कितने तत्व मौजूद थे? तो छह नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 80। सामान्य तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो सात नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आठ नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। आठ नंबर क्वेश्चन में दिया है कि परमाणु क्रमांक में कौन सा समुच्चय निरूपित तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सा? तो आठ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नौ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। दस नंबर क्वेश्चन पूछेगा, वे तत्व जिसके परमाणु तीन सबसे बाहरी कोष अपूर्ण होते हैं वे हैं, तो वे कौन से हैं? तो दस नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पी ब्लॉक। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऋणायन से धनायन की ओर अनुपात में कम है? तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दिया, निम्न में किसके अवधारणा प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका आयनीकरण ऊर्जा सबसे कम है? तो किसका कम है? तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। 14 नंबर क्वेश्चन दिया है कि इलेक्ट्रॉन की बंधुकता का सही क्रम है, तो कौन है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन दिया, न्यूनतम इलेक्ट्रॉन बंधुकता वाला विन्यास है, तो कौन विन्यास है? तो आपको पता ही है कि 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, प्लोइंग का विद्युत ऋणात्मकता पैमाना निम्न में से किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन विन्यास है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन दिए, 4d के क्यूब 5x का स्क्वायर विन्यास किस समूह से संबंधित है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन दिए, डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास पूछ रहा, तो 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 का बी हो जाएगा और 21 का आपका भी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करवाने वाले हैं, ठीक है, इस वीडियो में। 22 का आपका बी हो जाएगा, 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, 24 का सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा, किस परमाणु तत्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुकता दर्शाता है? तो 25 का क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 27 का बी हो जाएगा, 28 का भी बी हो जाएगा, ठीक है, 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी और 30 का बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसका आंसर हम ग्रुप में डाल दिया। हमें तत्व का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, अष्टक का नियम बताना है, ट्रिक का नियम क्यों परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी प्रश्न दिया है, इसको भी आपको देख लेना है। आधुनिक आवर्तकाल नियम क्या है, ये सभी का आंसर हम आपको अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर ग्रुप में ज्वाइन होकर देख सकते हैं। ग्रुप का नंबर 6210-82403, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वहां से भी क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।